तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आपके 14 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके। लास्ट आपका 14वां चैप्टर था ऊर्जा के स्रोत। जो भी ऊर्जा के आपके स्रोत हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, विस्तार से जाना था, और बहुत अच्छा चैप्टर था एक तरह से आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। आज हम 15वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हमारा पर्यावरण। याद रखिए, इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं की सभी बुक्स कंप्लीट करवा दी गई हैं। ये लास्ट बुक है आपकी कक्षा 10वीं की। इसके बाद 11 और 12वीं की बुक्स बचती हैं, और इनकी जो आपकी पीडीएफ है, जो आपके सिविल सर्विस हो फिर स्टेट पीसीएस हो, उन सब के लिए जो जरूरी है वो सभी टेलीग्राम पर डली हुई है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो बुक्स आपको पढ़नी है उन्हीं की पीडीएफ डाली गई है वहां, ठीक है। और इससे पहले जो भी क्लास में आपकी रही है वो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनाई गई है उसमें डली हुई है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इस अध्याय को। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचारों, पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण, वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। इससे पहले एक बात आप लोग और जान लीजिए कि इन बॉक्स में कोई ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके। अगर आप अपने आप से भी पढ़ते हैं इन बुक्स को तो आप कंप्लीट कर लें, वो मुझे लगता है कि अपने आप से पढ़ोगे तो बेहतर पढ़ पाओगे। तो इसलिए सभी बुक्स आपकी डाल दे दी गई है एक तरह से। आप इन्हें पढ़ते रहिए, जहां भी प्रॉब्लम होती है वहां बताइएगा, ठीक है। पारितंत्र के संगठक की बात करें अगर हम लोग, तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे बात करें तो ताप हो गया, वर्षा हो गई, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं आपके। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास हो गया, वृक्ष हो गया, गुलाब, चमेली, सूरमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। याद रखिए, पर्यावरण पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार हर जीव का है। लेकिन आप जानते हैं कि हम यानी कि इंसान बराबर मतलबी कोई नहीं होता है। इसलिए आप देखते हैं कि हम जिस थाली में खाते हैं उसी तरह से एक तरह से छेद कर रहे हैं, यानी कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं। लगाने की बात हमसे मत करिएगा। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लालची हम लोग हैं। हम लोग साफ करते जा रहे हैं सब पर्यावरण को, कितना हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, और लेकिन उसमें एक तरह से कुछ योगदान ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे कि उसको साफ किया जाए या साफ सुथरा रखा जाए कि आने वाली हमारी पीढ़ी उसका उपयोग कर पाए। देखिए, अगर हमारे हमारे ऊपर जो पीढ़ियां रही हैं, कहने का मतलब है कि हमारे जो दादा परदादा रहे हैं, अगर वो पर्यावरण को सुरक्षित ना रखते तो आज हम लोग खुली वायु में हवा नहीं, सांस नहीं ले पा रहे होते या इतना अच्छा जल नहीं पी पा रहे होते। आज के समय में आप देखिए, दिल्ली वायु प्रदूषण तो आप लोग सुनते रहते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो चुका है। वहां आयोग बनाए जा रहे हैं, समितियां बनाई जा रही हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए हमेशा बोला है कि एक काम कर सकते हैं, जैसे आपका बर्थडे है, जन्मदिन है या कोई खुशी का दिन है तो आप एक पेड़ लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आप एक दिन में, एक पेड़ लगाकर आप अपने एक तरह से यादगार उस पल को रख सकते हैं कि वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और हमेशा आपकी याद आती रहेगी, ठीक है। इतना कर सकते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए इस याद करते हैं, करने का प्रयास करें कि जो हमने स्वनिर्भाव पारितंत्र स्वयं बनाया था, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश व एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी, मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरे शैवाल
जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं और उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्रियाकलाप 15.1, याद रखिए इस क्रियाकलाप को, बस क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है केवल, और उसके नीचे जो लाइनें दी जाती हैं उसे ध्यान से पढ़ लेना है। ये करना नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, और अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें ज्यादा टेंशन मत लिया करिएगा, ठीक है। संभवतः आपने एक जल जैवशाला देखी होगी, आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। जल जैवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल, ऑक्सीजन एवं भोजन। हम एक वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्भर तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है? क्या हमें इस प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? अब यहाँ जो नीचे दिया रहता है इसे जरूर पढ़ लिया करिएगा। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। हम लोग भी तो उपभोक्ता है एक तरह से। हम देखिए सीधा सा उपभोक्ता की परिभाषा ये है कि जो मतलब दूसरे पर एक तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है, ठीक है। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी और मांसाहारी तथा सर्वाहारी या फिर परजीवी में बांटा गया है। आप देखते हैं आप किस में आते हैं, आप लोग बताइए नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोग शाकाहारी में आते हैं, मांसाहारी में, या सर्वाहारी या परजीवी में? क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें और तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीवी मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। एक सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या अपमार्जकों के न रहने पर मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है? इसे क्रियाकलाप देखते हैं 15.2। जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे जलीय जीवों को साथ ना रखें जो दूसरे को खा जाए, अन्यथा क्या होगा होता? यानी कि आप समझिए कि ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसे कोई जीव ना रखें जो दूसरे जीवों को खा जाए। समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपयुक्त समूह में जीव एवं एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिनमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं? क्या अथवा क्यों नहीं? आइए नीचे देखते हैं आहार श्रृंखला एवं जाल। ये समझिए आप लोग कि इससे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लेना आप लोग आहार श्रृंखला एवं जाल को। क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार है। विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों कि यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाती है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर और सौर ऊर्जा का स्तरीकरण करके उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर, बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए प्रकृति में आहार श्रृंखला वन, फिर आप देखेंगे घास, फिर आप देखेंगे तालाब, यहाँ ठीक है। आप देखते हैं घास को हिरण खा रहा है, हिरण को कौन खा जाता है? शेर, ठीक है। इस तरह से भी देखा होगा आपने घास को कौन खा रहा है? ए टिड्डा, टिड्डा को कौन खाता है? मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप, सांप को कौन खा लेते हैं? एक एक तरह से जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, चीतल, चीतल या फिर बोलते हैं इसे चील, ठीक है। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों को परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर विकास में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके
रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वकोषी से ऊर्जा विषमकोषी एवं अपघटकों तक जाती है, जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया और तथा यह पाया गया कि देखिए ये है उत्पादक, फिर आप देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, ये पोषी स्तर है आपके, ठीक है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ये 10 यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए 100% है तो उसमें से 90% तो वो यूज कर लेगा किसी तरह से, 10% ही केवल आगे बढ़ पाता है। लैंडवान का नियम भी आप लोगों ने सुना होगा, यही है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाता है। यहाँ आप लोगों ने चित्र देखा होगा, देखिए घास को ये खा रहा है टिड्डा तो ये 90% तो यूज कर लेगा, 10% ही आपका यहाँ पहुंचेगा मेढक के पास, मेढक उसमें से 10% में से 100% आपका यूज कर लेगा, फिर यहाँ उसमें से 10% जाएगा, इस तरह से आगे जाता रहता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः हर श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना ही होता है कि चौथे कोसी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले कोसी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर्याय संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखला का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। इस तरह आप देख भी सकते हैं, देखिए चूहे को आप देखिए कि ये भी खा सकती है बिल्ली, ठीक है, आप सोचिए कब उल्लू भी खा सकता है और सांप भी खा सकता है। अनेक आहार श्रृंखला से बना आहार जाल है, आहार जाल होना अच्छी बात भी है। ऊर्जा प्रवाह की चित्र 15.4 की 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है, जैसे कि यह विभिन्न कोशी स्तर पर क्रमिक स्थानांतरण होती है, अपने से पहले स्तर की उपलब्ध के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक कोशी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। तो एक बात आप लोगों को और याद रखनी है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशिक में, यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए कि चूहा घास को खा रहा है तो चूहे से ऊर्जा घास में नहीं जाएगी, ठीक है, चूहे से बिल्ली की तरफ या सांप की तरफ जाएगी, उल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख है, सूर्य का विकास उत्पादक, फिर आप देखेंगे शाकाहारी, यहाँ आपका मांसाहारी और यहां देखेंगे शेष मांसाहारी यानी कि टॉप पर, ठीक है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ये कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण की किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायनों का अधिक प्रयोग करना। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं और मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है और जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं और यह केवल एक तरीका है जिसमें वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्निकेत हैं। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संगीत होते रह जाते हैं क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं अथवा चावल तथा चावल सब्जियां फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है।
चलिए क्रियाकलाप 15.3 को भी देख लीजिए। समाचारों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज पदार्थ में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्रायः ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के उचित पर चर्चा कीजिए। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जाती है? और चर्चा कीजिए। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि सिक्किम जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है, और ये कई बार आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार। तो ये एक तरह से इनको पीड़कनाशी को ही रोकने के लिए जैविक खेती पर बल दिया जा रहा है। आजकल आप देखते हैं कि लौकी को ले लीजिए आप लोग, सुबह बच्चा होता है और आप इंजेक्शन लगाते हैं उसे, वो 2 से 3 किलो 4 किलो की बदल जाती है। आप सोचिए कि इसका कुछ तो नुकसान होता होगा। आज आप दूध निकालने के लिए गाय के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं कि ज्यादा दूध दे, तो उसका भी तो कुछ नुकसान होता होगा, समझ रहे हैं? अब बात करते हैं हमारी क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारी क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, ओजोन परत का अपक्षय और अवशिष्ट निपटान। तो सबसे पहले ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अवक्षयित होती है। एक तरह से ओजोन परत को आप लोग इसी अवस्था में मानिए कि आप लोग आटा में से, जो आप देखते हैं कि जब आटा आप लोग चक्की से निकलवाते हैं, गेहूं से आटा बनता है, उसमें भी कुछ ऐसे हानिकारक या अवांछनीय पदार्थ रहते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, तो आप क्या करते हैं, छन्नी से छानते रहते हैं। तो एक तरह से ओजोन परत छन्नी ही मान लीजिए आप लोग, कि ऊपर से सूर्य से जो हानिकारक कोई किरणें आती हैं तो उसे रोक लेता है एक तरह से, ठीक है। ओजोन O3, इसे O3 से व्यक्त करते हैं। केड़ू ओजोन के 3 परमाणुओं से बनते, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रयास चर्चा करते हैं, कि अणु में 2 परमाणु होते हैं O2, जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक विकार संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पर्यावरणीय विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पर्यावरणीय विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, अतः यह गैस मानव से त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। कौन सी? आने वाली, ठीक है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। O2 पराबैंगनी और O+O2 ओजोन, यहाँ O3 को ओजोन कहते हैं। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी और एक तरह से चिंताजनक भी हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य घातक माना जाता है। इसका उपयोग आप लोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन और अग्निशमन के लिए किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी और CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए जाए, ठीक है। जो AC की बात करते हैं, AC की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन की। अपने दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अवशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 15.5 को पढ़िए। अपने घर से कचरा एकत्रित कीजिए। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा, जैसे कि रसोई का कूड़ा हो गया, संदूषित भोजन हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय की उपयोग की गई पत्तियां हो गई, दूध की खाली थैली हो गई, खाली डिब्बे हो गए, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े, टूटे जूते आदि हो सकते हैं। इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्रित करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए और 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय भी बाद भी
परिवर्तित रहते हैं। वे कौन से पदार्थ हैं जिन्हें स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है, जिन पदार्थों के स्वरूप के समय के साथ परिवर्तन आता है उनमें कौन से पदार्थ अतिशीघ्र परिवर्तित होते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप सोचिए, आपको जूट या कपास का थैला उपयोग करने के लिए क्यों कहा जाता है? आप सबको प्लास्टिक की थैलियां बंद करने के लिए या प्लास्टिक के थैले उपयोग करने के लिए क्यों रोका जाता है? आप समझिए कि प्लास्टिक को आप लोग एक तरह से विकसित नहीं कर सकते, उसे खत्म नहीं कर पाते हैं। देखते हैं आप लोग, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो यही कारण है। ठीक है, हमने जैव विक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए पौधों का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होता है, किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है, और ऐसा करना भी आप लोग मत। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक विक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, और यही इनका एक तरह से नुकसान है। वे पदार्थ जो जैविक विक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो इस विक्रम में अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर अथवा एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए और हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिखाई जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटाने के लिए उपायों पर चर्चा की। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। इन्हें भी पढ़ लीजिए, केवल क्रियाकलाप 15.7। पता लगाइए घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है, क्या किसी स्थान से इसे एकत्रित करने की कोई प्रतिबंध है? आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे काफी आपके यहाँ सामने गाड़ियां आती हैं, उसमें आपका गीला कचरा अलग जाता है, सूखा कचरा अलग इकट्ठे करने की, ये अच्छी बात है। पता लगाइए कि स्थानीय निकायों पंचायत नगरपालिका आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है? क्या वहाँ जैव अपघटित तथा अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है? गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है, इसमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरण है, और गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है, इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरण है, और इस कचरे के निपटान के लिए के कुछ उपाय। और इससे याद रखिए खाद भी बनाया जा सकता है, देसी खाद भी आप बना सकते हैं। गीला कचरा मुझे लगता है कि आपने देखा है, कई मुझे हर जगह का मालूम नहीं है, लेकिन कई शहरों में मैंने देखा है कि इसका उपयोग भी खाद बनाने के लिए और भी बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है। क्रियाकलाप 15.8 की बात करें तो पता लगाइए आपके क्षेत्र में मल बैन की क्या व्यवस्था है, वहां इस बात का प्रबंधन है कि स्थानीय जलाशय और जल के अन्य स्रोत अनुपचारित बाहित मल से प्रभावित ना हो। अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने अवशिष्ट कूड़े कचरे एवं तरल अवशिष्ट के निपटान का क्या प्रबंधन करते हैं? क्या वो इस बात का प्रबंधन है कि जिसमें सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों में भूमि तथा जल का प्रदूषण नहीं होगा? हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिव्यक्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम पेयज निर्वर्तनीकरण वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव ने अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आप के विचार में इसका सबका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें हम लोगों ने प्लास्टिक कचरे के बारे में बात की थी। आप समझिए कि पूरी दुनिया में अगर औसत निकाला जाए तो एक आदमी, यानी कि आपका वजन अगर 50 किलो है तो आप लोग साल में 50 किलो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं किया, दुनिया के निकालने की औसत की बात करूं, जब औसत ज्ञात किया जाता है तो सबका कॉमन लिया जाता है। ठीक है, इस पर भी विचार कर लीजिए। रेलगाड़ियों में पेयज निर्वर्तनीय है कब? यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात होगा। कुछ समय पूर्व कुल्लड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्लड़ बनाने के लिए कितना उर्वरक मिट्टी का उपयोग होता है। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा
कागज की डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हो सकते हैं? एक तो इन्हें जल्दी गल सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है इससे, इस अध्याय में? पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। उत्पादक सूर से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं, और जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, या आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को सीमित कर देते हैं। ह्रास इसलिए भी होता है, आप समझिए कि आप उपयोग तो करेंगे, समझ रहे हैं, आप उपयोग तो करेंगे ना उस ऊर्जा का, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है, और सीएफसी जैसे रसायनों में ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है हमारी, इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा जैव अजैव निम्नीकरण हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग आराम से देख सकते हैं और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये था आपका 15वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, एक लास्ट चैप्टर बचता है और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन का समेक संपोषित प्रबंधन, ठीक है। इसके साथ आपकी 10th तक की सभी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी, 10th 11th और 12th की बचती हैं, बहुत ही मजेदार बुक्स हैं, उन्हें भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे।